नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी ने ट्विटर पर अभद्र भाषा इस्तेमाल के लिए आरजेडी के एक छात्र नेता को पद से हटाया। देखिए, आरजेडी के एक छात्र नेता थे, नेता ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया ट्विटर पर और फौरन तेजस्वी ने एक्शन लेते हुए यानी कि उस छात्र नेता को पद से हटा दिया। अगर तेजस्वी यादव ने जो किया वो कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना ट्विटर पर, ये ट्विटर ही नहीं सोशल साइट्स पर, जितने भी सोशल साइट्स हैं उस पर एक नेता होते हुए अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ख़राब होता है। एक नेता की गरिमा जो है लांघ कर जो है इस तरह का ट्वीट करना और अपनी बात इस तरह से गंदे तरीके से करना, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के स्तर को तो गिराता ही है, साथ ही जो पार्टी की छवि है उसको भी गिराता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की मैं बात कर रहा हूँ, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से फौरन एक्शन ले लिया, और अगर मैं बात करूँ आरजेडी में कुछ ऐसे नेता हैं जो तमाम तरह के उन पर आरोप लगे हैं, अगर तेजस्वी यादव उन पर भी इस तरह का एक्शन ले लेते तो आरजेडी की स्थिति आज ये नहीं होती। रिपोर्ट्स की तरफ रुख करता हूँ। आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने बिहार के वैशाली जिले में अपनी पार्टी की छात्र इकाई के एक ब्लॉक अध्यक्ष को ट्विटर पर अभद्र भाषा इस्तेमाल के लिए पद से हटा दिया। तेजस्वी ने छात्र आरजेडी की हाजीपुर इकाई के अध्यक्ष गौतम अधिकारी को पद से हटा दिया। तेजस्वी ने यह कार्रवाई एक पत्रकार द्वारा उनका ध्यान उसके ट्वीट की ओर आकर्षण करने के बाद की। यादव ने अधिकारी के आपत्तिजनक ट्वीट के साथ ही उसे पद से हटाने का पत्र का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए पत्रकार रिफत जावेद को ट्विटर पर कहा, इसे मेरे संज्ञान में लाने के लिए धन्यवाद, मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगता हूं। उसे छात्र राजद ब्लॉक अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बेनामी संपत्ति को लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार पर बीते शनिवार को निशाना साधा और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुखौटा कंपनियों के निदेशक कहा, तो तेजस्वी पलटवार कर सुमो को फरेबी व दोगला तक कह दिया। तेजस्वी ने मोदी को धांधलीबाज और फरेबी बताते हुए कहा, जो आदमी अपनी माँ की कोख से जन्मे सगे भाई को दूर का रिश्तेदार बताता है, सोच लीजिए वह इंसान कितना बड़ा फ्रॉड और दोगला होगा। अगर फिर भी उनकी कोई बातों पर यकीन करता है तो समझो वह जानबूझकर जहर पी रहा है। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिली कि एक तो तेजस्वी यादव जिस तरह से बेहतर कह सकते हैं कि बेहतर ही ढंग से काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके एक नेता ने किया और उनको उसको फटाफट से जो है हटा दिया गया पद से, और उसका एक स्क्रीन शॉट भी जो है बाकायदा डाला गया कि उसके कह सकते हैं कि उसके उसका इस्तीफा ले लिया गया। और वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ सुशील कुमार मोदी, जी हाँ, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जिस तरह से अब आरजेडी को घेरने में लगे हैं और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के परिवार पर उन्होंने निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से आरजेडी यानी लालू परिवार मुसीबतों में घिरा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव यही कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई गलती ना हो ताकि उनके ऊपर और कोई दागी जो है इल्ज़ाम ना लगे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो नेता था उसको पद से हटा दिया, बर्खास्त कर दिया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जी हाँ, चारा घोटाला आरोप में जो लालू यादव सजा काट रहे हैं, जब आपको बता दूं कि बीते दिनों जब उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का कहना है कि अभी उनकी तबीयत सही नहीं है और उन्हें रिहा किया जा रहा है, या उनको कह सकते हैं कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है, तो ये सही नहीं है, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं कि दोषी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो और चाहे जितना भी झूठ छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, आखिरकार शिकंजे में आ ही जाता है। और जैसा कि लालू प्रसाद यादव के मामले में देखने को मिला, भले ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो कह सकते हैं आरोप थे उनको छुपाने की कोशिश की और जितना भी भ्रष्टाचार था सभी को छुपाने की कोशिश की, रणनीति बनाई, लेकिन आखिरकार जो लालू प्रसाद यादव का सच था वो सामने आ गया और उसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव को सजा
दी गई उनके आरोप, उनके जो उन्होंने काम किया था, जिस तरह का भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो उन्होंने गलत काम किए थे उसकी सजा उन्हें दी गई। तो रिपोर्ट्स की तरफ मैं रुख कर लेता हूँ। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने मोदी को धांधलीबाज फरेबी बता दिया। देखिए, सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने भी फौरन जो है ट्विटर पर ट्वीट किया कि जो आदमी अपनी माँ की कोख से जन्मे सगे भाई को दूर करके रिश्तेदार बताता है, दूर का रिश्तेदार बताता है, सोच लीजिए वह इंसान कितना बड़ा फ्रॉड और दोगला होगा। अगर फिर भी कोई उनकी बातों पर यकीन करता है तो समझो वह जानबूझकर जहर पी रहा है। ये कहना था तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए सुशील मोदी के सवालों का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन पर ही कई आरोप लगा दिए। तेजस्वी ने कहा कि सुशील मोदी का अप्रवासी परिवार अरबों की काली कमाई के ढेर पर बैठा है। उन्होंने कहा, मोदी यह साफ क्यों नहीं करते कि कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाला मोदी खानदान आज खरबों का मालिक कैसे बन बैठा। तेजस्वी ने सवालिया लहजे में कहा कि सूमो बताए कि उनके भाई राजकुमार मोदी की 10,000 करोड़ की रियल एस्टेट कंपनी सूमो के उपमुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे आगे बढ़ी। बहन रेखा मोदी के सृजन घोटाले के पैसे की बंदर बांट करने में उन्होंने किस तरह मदद की। देखिए, तेजस्वी यादव ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। अगर ट्विटर पर ट्वीट करके आरजेडी परिवार को घेरा गया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने सक्रियता दिखाते हुए फौरन उस जवाब का पलटवार किया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कह सकते हैं कि बीते कुछ दिनों पहले वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव से एम्स में भी मिलने गए थे, और साथ ही साथ जिस तरह की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लालू परिवार की मुश्किलें घिरती हुई नज़र आ रही हैं, कोई आसार नहीं दिख रहे उनकी छूटने के। क्योंकि जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो भी कोई बुरा करता है और आखिरकार सज़ा उसको मिलती ही है, और जिस तरह से चारा घोटाला आरोप में और तमाम तरह की जो आरोप लगे थे लालू प्रसाद यादव पर, वो सभी सही साबित हुए और कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया। तो देखिए, जिस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव को जो है अब उनके किए की सज़ा मिल रही है, और कहीं ना कहीं लालू यादव से सीखना चाहिए लोगों को, या कह सकते हैं कि जिस तरह से अगर कोई और नेता बुरा काम करता है तो उसका हश्र भी वैसे ही होता है लालू यादव का। तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार नेता करते हैं, जो कालाबाजारी करते हैं और तमाम तरह से जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, तो वो इकट्ठा करने से पहले और ये सब चीज़ें करने से पहले एक बार ज़रूर वो ध्यान में बैठा लें कि जो भी गलत करता है और उसका जो है अंजाम जो है वो बुरा भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही यहाँ पर देखने को मिला लालू प्रसाद यादव का। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई, और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस बात को अब समझ रहे हैं। एक तो पहले से ही लालू परिवार की मुश्किलें बड़ी हुई हैं, और लालू परिवार की मुश्किलें जिस कदर से बड़ी हुई हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और दूसरी तरफ से आरजेडी के एक छात्र नेता ने जिस तरह से अगर हम बात करें कि उसने ट्विटर पर अपद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, तो ये दर्शाता है कि उस पर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने एक्शन लिया कि वो नहीं चाहते कि आरजेडी की तरफ से कोई नेता या कोई छात्र नेता इस तरह की गलती करे जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़े। तो ऐसे में देखिए, जिस तरह की यहाँ पर देखने को मिली तेजस्वी यादव की सक्रियता, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं, अगर यही एक्शन पहले ही ले लिया जाता, जिस तरह से आरजेडी नेताओं की कई देखने को मिला था कि आरजेडी के कई नेता ने अभद्र व्यवहार किया था, अभद्र तरह की टिप्पणी की थी, तो उस दौरान भी अगर इस तरह का फैसला ले लिया जाता, उन्हें हटा दिया जाता पार्टी से, तो आज आरजेडी की जो छवि है वो एक अलग छवि होती। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की, तो सुशील कुमार मोदी जमकर लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो भ्रष्टाचार और तमाम तरह के जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सही हैं लालू परिवार पर,
और वहीं देखिए लालू परिवार की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो तेजस्वी यादव भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और वो भी जो है बाकायदा ट्वीट कर कर अपनी बात कर रहे हैं और ट्वीट कर कर पलटवार कर रहे हैं। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।